हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 6 लाइव प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपके बायोलॉजी सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है। तो देखो, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि चैप्टर की जो हेडिंग है लाइव प्रोसेस, उसका क्या मीनिंग है। तो देखो, अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से अपन लिविंग है, और साथ में वो अपनी लिविंगनेस को बनाए रखते हैं, ठीक है, और लिविंगनेस को सस्टेन करने के लिए जरूरी होते हैं। उन सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो ऑल द प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच रिक्वायर टू मेंटेन एंड सस्टेन लाइफ, जिसकी वजह से अपन लिविंगनेस अपनी कंटिन्यू रख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इनमें से कोई एक प्रोसेस भी ना हो तो अपन क्या नहीं रहेंगे, लिविंग नहीं रहेंगे, डेड हो जाएंगे। तो इन सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, जिसे ट्रांसपोर्टेशन भी कह सकते हैं, एक्सक्रिएशन, ये सारे किसमें आते हैं, लाइफ प्रोसेस में आते हैं। देखो, आपके मन में अगर आ रहा है कि रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है क्या, तो रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म सो करते हैं, लेकिन अगर रिप्रोडक्शन सो ना करे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड नहीं हो जाएगा। लेकिन इनमें से कोई एक भी प्रोसेस ना हो, न्यूट्रिशन ना हो, फूड कंज्यूम ना करे अपन, रेस्पिरेशन ऑक्सीजन अंदर ना ले, ठीक है, अपनी बॉडी में सर्कुलेशन ना हो, मतलब ब्लड इधर उधर चीजों को इधर उधर ना ले जाए, तो फिर और एक्सक्रिएशन ना हो तो अपनी बॉडी क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। इसलिए लाइफ प्रोसेस में रिप्रोडक्शन को नहीं रखा जाता, ठीक है। तो लाइव प्रोसेस कौन से होते हैं, वो सारे प्रोसेस जो लिविंगनेस के लिए जरूरी है। अब अपनी बुक में एक एक करके इस चैप्टर में यही चार चीजें अपन को प्लांट और एनिमल्स के लिए स्टडी करनी है। लेकिन जहां पहली हेडिंग डाल रखी है न्यूट्रिशन, उससे पहले भी अपनी बुक में कुछ पैराग्राफ दे रखे हैं और उनके बेस पर भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो पहले अपन को उसको समरी फॉर्म में अच्छे से समझना है। वो एक्सप्लेन करती है कि ये चारों चीजें क्या है और इनकी नीड क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन उसे समझते हैं। तो अपन समझते हैं कि लाइव प्रोसेस होता क्या है। तो देखो, लाइव प्रोसेस जो होता है वो क्या परफॉर्म करता है, मेंटेनेंस जॉब परफॉर्म करता है। अब इस मेंटेनेंस जॉब को परफॉर्म करने के लिए उसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी के लिए वो दो लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करता है, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन। कैसे, जो एनर्जी उसे चाहिए उसके लिए पहले वो अपने आसपास से क्या करेगा, एनर्जी के सोर्स को अंदर लेगा। तो अ प्रोसेस विच ट्रांसफर सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड बॉडी, एक उसे प्रोसेस चाहिए जिससे वो सोर्स ऑफ एनर्जी को अंदर लेगा, उसे अपन क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन। ये सारी देखो, यहां पर जो भी लिख रखी है वो डेफिनेशन नहीं है, ये न्यूट्रिशन की डेफिनेशन नहीं है, ये रेस्पिरेशन की नहीं है, ये एक्सक्रिएशन की नहीं है, ये सब मैं समझा रहा हूं कि ये प्रोसेस होते क्या है। डेफिनेशन जब ये टॉपिक आएंगे तब आप अच्छे से देखना। तो न्यूट्रिशन की नीड क्यों है, क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए थी, और एनर्जी जिस सोर्स से भी वो ऑब्टेन करता है, आप सब जानते हैं एनर्जी किससे ऑब्टेन करते हैं, फूड से, उससे बाहर से फूड लेना पड़ेगा, इस प्रोसेस को अपन ने न्यूट्रिशन का नाम दे दिया। एक बार जब वो एनर्जी का सोर्स अपने अंदर आ जाएगा तो अपन को उस एनर्जी के सोर्स को ऑक्सीडाइज कर एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी। तो ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा सोर्स ऑफ एनर्जी का, और एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी, और इसके लिए अपन को बाहर से ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। कुछ ऑर्गेनिज्म विदाउट ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, अभी इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो ये अपना रेस्पिरेशन हो गया। तो पहला था कि लाइफ प्रोसेस मेंटेनेंस जॉब करती है, उसके लिए एनर्जी चाहिए, और उससे रिलेटेड अपने दो लाइफ प्रोसेस हो गए। अगला, जब ये मेंटेनेंस जॉब परफॉर्म करती है तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, अपनी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते अपन, तो उन प्रोडक्ट को अपन को बॉडी से बाहर निकालना होगा, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट। और यहां पर एक और लाइफ प्रोसेस आ जाता है, कौन सा, एक्सक्रिएशन आ जाता है, ठीक है। तो अभी तक कितने लाइफ प्रोसेस हो गए, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन। अगर अपन न्यूट्रिशन परफॉर्म नहीं करेंगे तो सोर्स ऑफ एनर्जी अंदर नहीं आएगी, अपन डेड हो जाएंगे। अगर अपन न्यूट्रिशन तो परफॉर्म करते हैं लेकिन रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे तो अपन ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे, एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो भी कोई मतलब नहीं, अपन डेड हो जाएंगे। और अगर अपन न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन तो करते हैं लेकिन अपने अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं उनको अपन बनने ही दिए जा रहे हैं, वो धीरे धीरे इकट्ठे होते जाएंगे और वो अपन को मार देंगे, लेकिन अगर एक्सक्रिएशन करते हैं तो अपन उनको बाहर निकाल सकते हैं। अब जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, इन सारी चीजों को परफॉर्म करने के लिए
पर्टिकुलर स्पेशल ऑर्गन बना लेते हैं, जैसे अपने अंदर न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहा है, रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम बोले तो लंग्स वगैरह में हो रहा है, एक्सक्रिएशन एक्सक्रिएटरी सिस्टम बोले तो किडनी में हो रहा है। तो फिर इन तीनों सिस्टम या ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं, इनके बीच में चीज़ों को इधर से इधर करने के लिए मुझे एक और सिस्टम चाहिए, जिसे मैं क्या कहूँगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो इन इन सिस्टम के बीच में जो भी सब्सटेंसेज है उनको क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। तो लाइफ प्रोसेस जो होता है, न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन एक्सक्रिएशन, वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू में परफॉर्म होता है। तो फिर अपन को एक और सिस्टम चाहिए, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस बिटवीन दीज स्पेशलाइज्ड टिश्यू, और यहाँ पर आता है ट्रांसपोर्ट और सर्कुलेशन। तो इस तरीके से अपन को कौन कौन से लाइफ प्रोसेस मिलते हैं, न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन एक्सक्रिएशन और ट्रांसपोर्ट एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे कि लाइफ प्रोसेस कौन से होते हैं, चार होते हैं और क्यों होते हैं। ठीक है, तो अब आगे लेते हैं अपन और क्या करते हैं कि जो इस पैराग्राफ के नीचे जो अभी अपन ने समझा है, न्यूट्रिशन के जस्ट पहले अपनी बुक में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको अच्छे से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला है कि व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग। अपन कैसे पता करेंगे कोई चीज लिविंग है या नहीं है? तो सबसे पहला पॉइंट तो अपन को ये याद रखना है कि सारी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर सेल होगी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल नहीं होती। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं, सेल के। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं, अपने सेल के नहीं बने होते। ठीक है, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेस शो करती, मतलब वो रेस्पिरेशन शो करेगी, एक्सक्रीशन शो करेगी, न्यूट्रिशन शो करेगी, सर्कुलेशन शो करेगी, लेकिन जो नॉन लिविंग होंगे वो ये सारे प्रोसेस नहीं शो करेंगे। और क्या हो सकता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके पास कुछ एबिलिटी होती है, जैसे कि वो अपने सराउंडिंग में जैसा भी चेंज आता है उसके टूवर्ड्स में रेस्पॉन्स दे सकते हैं। जैसे मुझे कोई टच करे तो मैं रेस्पॉन्स दे सकता हूँ, ये टच एक तरह का रेस्पॉन्स है, बहुत सारे होते हैं। मुझे कोई आवाज लगाए तो मैं रेस्पॉन्स दे सकता हूँ। ठीक है, जैसे प्लांट जो होते हैं उनपे सनलाइट गिरती है तो वो सनलाइट की तरफ ग्रो कर सकते हैं, ऐसा उनके अंदर रेस्पॉन्स होता है। तो अपने सराउंडिंग में जो चेंजेज हो रहे हैं उसके टूवर्ड्स में रेस्पॉन्स देने की एबिलिटी होती है, उनके पास रिप्रोडक्शन करने की भी एबिलिटी होती है, उनके पास सेल्फ रिपेयर मतलब अपने आप को खुद हील करने की प्रॉपर्टी होती है, उनके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है मतलब चीजें इधर से उधर जा सकती है। ये सारी चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एबिलिटी होती है, नॉन लिविंग के अंदर ऐसी कोई एबिलिटी नहीं होती। तो ये अपने लिविंग और नॉन लिविंग में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन जो दे रखा है कि व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। तो पहले अपन समझते हैं कि यूनिसेलुलर में ये जो होता है क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कैसे फिलफिल की जाती है। तो एक देखो, यूनिसेलुलर सेल जो होती है वो सराउंडिंग के डायरेक्ट टच में होती है, मतलब एयर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती है, और कोई भी चीज अपनी ज्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ अपने आप चली जाती है। तो आसपास की सराउंडिंग में ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम है, तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ जाती है और CO2 अंदर से कहां चली जाती है, बाहर। हो गया भाई इनका रेस्पिरेशन, गैस एक्सचेंज हो गया इनका। लेकिन ये जो चीज है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अपनी बुक में लिखा हुआ है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ एयर। जैसे अपनी बॉडी ले तो अपनी बॉडी में जो सरफेस पे सेल है सिर्फ वो एयर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, अपने अंदर भी सेल है कुछ, ठीक है, इंटेस्टाइन में, लीवर, जो पेनक्रियाज, इनकी भी तो सेल है और वो एयर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ही नहीं है। तो फिर वो अपना रेस्पिरेशन कैसे करेगी, वो ऑक्सीजन को कैसे कैप्चर करेगी? और यही वजह है कि अपन को सिंपल डिफ्यूजन अपने लिए सफिशिएंट नहीं है, अपन को एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम चाहिए जिसे अपन क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे अपन इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ये भी एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक ऑर्गेनिज्म बाहर से कौन कौन सी चीजें का इस्तेमाल करता है। तो एक एनिमल्स जो होता है, एक तो फूड लेता है जो एनर्जी का सोर्स होता है, और एक ऑक्सीजन लेता है जो बेसिकली उस सोर्स ऑफ फूड को किसमें जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करने में हेल्प करता है। और जहां तक प्लांट की बात करें तो वो अपना फूड खुद बनाते हैं, तो वो CO2 और H2O को सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद बनाते हैं, तो उनके लिए रॉ मटेरियल CO2 और H2O हो गया। साथ में उन्हें कुछ मिनरल्स भी चाहिए अपनी खुद की बॉडी को बनाने के लिए, और ऑक्सीजन चाहिए अगेन क्यों, एनर्जी जनरेट करने के लिए। इसके बाद एक और
दे रखा है कि ऐसे कौन से प्रोसेस है जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी होते हैं, वो क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है क्योंकि यही चार प्रोसेस होंगे। ठीक है, तो ये सब आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अपन चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि बेसिकली है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो फर्स्ट अपना लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जो कि क्या है, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? इट इज द लाइफ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑप्टेन और प्रिपेयर फूड। ऑर्गेनिज्म क्या करता है, या तो फूड ऑप्टेन करता है, कहीं से लेता है, या फिर खुद प्रिपेयर करता है क्या फूड और न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइज्ड इट, और उसे यूटिलाइज करता है किस किस चीज के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब जो न्यूट्रिशन जो है, इसकी डेफिनेशन में अपन ने लिखा कि या तो ऑर्गेनिज्म उस फूड को ऑप्टेन करता है या वो खुद बनाता है। इसके बेसिस पर ऑर्गेनिज्म दो तरह के हो जाएंगे, एक ऑटोट्रॉप और एक क्या हो जाएंगे, हेटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप जो होता है वो अपना फूड खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉप जो होता है वो फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप के ऊपर डिपेंड करते हैं। डायरेक्टली कैसे, कि वो ऑटोट्रॉप को ही कंज्यूम करते हैं, और इनडायरेक्टली कैसे, वो उन ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं जो ऑटोट्रॉप को कंज्यूम करते हैं। जैसे एक हिरन जो होता है वो ऑटोट्रॉप पर डायरेक्टली डिपेंड है, जबकि एक लॉयन जो है वो ऑटोट्रॉप पर इनडायरेक्टली डिपेंड है, क्योंकि अगर ऑटोट्रॉप होंगे तो हिरन होगा, और हिरन होगा तभी तो वो लॉयन उसको खा पाएगा। ठीक है, तो जो हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉप पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। अब ऑटोट्रॉप जो होते हैं अपना फूड बनाने के लिए या तो सनलाइट से जो एनर्जी आती है उसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ऑटोट्रॉप को फोटो ऑटोट्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप। और जो अपनी मतलब फूड बनाने के लिए सनलाइट की एनर्जी का इस्तेमाल ना करके केमिकल्स की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप। इसका मतलब ऑटोट्रॉप जो होंगे वो कितने तरह के हो जाएंगे, दो तरह के हो जाएंगे, एक फोटो ऑटोट्रॉप और एक कीमो ऑटोट्रॉप। ठीक है, अपनी बुक में जो डिस्क्रिप्शन है वो किसका है, फोटो ऑटोट्रॉप का है, जो अपन ने अभी तक पढ़ा भी है। ठीक है, अभी भी अपन फोटो ऑटोट्रॉप ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब हेटरोट्रॉप जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, होलोजोइक, सेप्रोफाइट और पैरासाइट। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, जब अपन होलोजोइक न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे तो वहां अच्छे से समझेंगे। अभी अपन मूव करते हैं फर्स्ट पे, जिसे कहेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आज की वीडियो में अपन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को ही अच्छे से समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेंगे। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेंगे तो न्यूट्रिशन इन प्लांट पूरा हो जाएगा, फिर अपन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स करेंगे जिसमें अपन ह्यूमन का भी देखेंगे। अब देखो ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन क्या होता है, सम ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू फॉर्म ऑर्गेनिक फूड, ऐसा फूड बना सकते हैं जो हाइड्रोकार्बन, बोले तो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, उसे अपन ऑर्गेनिक कहते हैं, तो ऑर्गेनिक फूड बना पाते हैं, जबकि क्या बनता है, ग्लूकोज या फिर उसे अपन कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और ये किससे बनाते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। प्लांट क्या करते हैं, वॉटर और CO2 लेते हैं, वॉटर और CO2 क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक, जो फूड वो बनाते हैं वो ऑर्गेनिक। आप में से बहुत सारे लोग ऐसी डेफिनेशन लिखते होंगे फोटोसिंथेसिस की कि जो वॉटर और CO2 से ग्लूकोज बनाते हैं, सही है, लेकिन आप इस तरीके से भी इसको समझे कि प्लांट के पास एक एबिलिटी है कि वो क्या कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक चीजें वॉटर और CO2 को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ये जो फीचर है ये इनको क्या बनाता है, ऑटोट्रॉफ, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ मतलब अपना न्यूट्रिशन ये खुद ले सकते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म नॉन एज ऑटोट्रॉफ, और इस तरह का न्यूट्रिशन जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं, ग्रीन प्लांट्स इसमें आते हैं, बैक्टीरिया इसमें आते हैं, साइनोबैक्टीरिया जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं अपना फूड किससे बना पाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बना सकते हैं। तो अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज है और उन सबको अपन को अच्छे से समझना है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन फोटोसिंथेसिस को डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन फोटोसिंथेसिस। तो देखो फोटो मींस लाइट और सिंथेसिस मतलब कुछ बनाना, ऐसे प्रोसेस को अपन क्या कह सकते हैं, फोटोसिंथेसिस।
अब देखो ग्रीन प्लांट जो होते हैं उनके पास ग्रीन कलर का कुछ स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली वो एक पिगमेंट है जिसे क्या कहते हैं क्लोरोफिल, और जब उनके ऊपर सनलाइट गिरती है तो वो इस क्लोरोफिल की वजह से सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं, उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और फिर वो क्या करते हैं इस एनर्जी को यूज कर H2O और CO2 वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं जो कि बेसिकली एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, और अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि इसने इनऑर्गेनिक चीजों को किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑर्गेनिक चीज में कन्वर्ट कर दिया, और साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन निकलती है। ऑक्सीजन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का साइड प्रोडक्ट होता है। प्लांट जो है वो क्या बनाना चाहते हैं, ग्लूकोज, उसके साथ अपने आप बन जाती है ऑक्सीजन, कैसे वो अभी अपन समझेंगे। तो कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू ऑर्गेनिक फूड बाय ग्रीन प्लांट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, उसे अपन क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस कहेंगे। अब इसकी रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है, 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 ग्लूकोज बनता है, साथ में 6O2 निकलती है और 6H2O भी बनता है। यहां पर आपको मैथ्स नहीं लगानी है कि या 12H2O है या 6H2O है, कट कर दिया और इस तरफ 6H2O लिख दिया, नहीं, वो रॉन्ग फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन होगी, ये ही इक्वेशन जो है आपके सही है। अब देखो यहां पर अच्छे से समझना, बेसिकली प्लांट CO2 लेते हैं, ठीक है, CO2 उन्होंने ली, और CO2 क्यों ली कि देखो ग्लूकोज बनाने के लिए मुझे तीन चीजें चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो CO2 से मुझे कार्बन भी मिल जाएगा और ऑक्सीजन भी मिल गया। अब मुझे और क्या चाहिए, मुझे वाटर चाहिए, एक्चुअल में वाटर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए, देखो ग्लूकोज बनाने के लिए मुझे सिर्फ H चाहिए, और हाइड्रोजन तो नेचर में गैस के फॉर्म में तो इतनी है नहीं, तो प्लांट क्या करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, और इसमें से जो हाइड्रोजन है, देखो कितनी हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं यहां पर डालने के लिए, ठीक है। तो प्लांट CO2 से तो कार्बन और ऑक्सीजन लेते हैं और वाटर से सिर्फ हाइड्रोजन लेते हैं, जब प्लांट इसमें से हाइड्रोजन, देखो ये सपोज करो H2O है, इसमें से H2 तो प्लांट ने यूज कर ली, पीछे क्या बच जाएगी, ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को वो बाहर रिलीज कर देते हैं तो ऑक्सीजन बन जाती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां ऑक्सीजन देखो रेड कलर में लिखी हुई है, ये ब्लू कलर वाली नहीं है, ये वाटर वाली ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो यहां से निकलती है वो कहां से निकलती है, वाटर के अंदर से निकलती है, याद रखना, वाटर में से एच तो निकाल लिया जाता है और ऑक्सीजन बाहर रिलीज कर दी जाती है। एक चीज और आप अच्छे से समझ पाएंगे, यहां CO2 था और यहां C और O के अलावा एच भी है, तो CO का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना एक तरह का रिडक्शन है, अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो यहां पर बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर रहा हूं मैं, रिडक्शन कर रहा हूं, उसके ऊपर हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं, और मुझे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन इसके ऊपर ऐड की तो ग्लूकोज बन गया, अब जो पीछे ऑक्सीजन बची वो मैंने रिलीज कर दी ऑक्सीजन के फॉर्म में, तो ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। अब रिक्वायरमेंट क्या क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो एक तो मुझे CO2 चाहिए, वो प्लांट कहां से ऑब्टेन करते हैं, अपने सराउंडिंग से, ठीक है, दूसरा उसे H2O चाहिए, वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, फिर उसे सनलाइट चाहिए, जो सन उसके ऊपर सनलाइट गिरती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उसे क्लोरोफिल चाहिए क्योंकि वो सनलाइट को क्या कर पाएगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है, और उसे यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएगा। अगर ऐसा दे एग्जाम में कि रॉ मटेरियल बताओ भाई, कि फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल क्या है, तो ऐसे केस में आपको सिर्फ रॉ मटेरियल में CO2 और H2O लिखना है। क्या लिखना है, CO2 और H2O, क्योंकि ये दो रॉ मटेरियल है, बाकी तो ऐसे भी अवेलेबल है। पूछे कि वो कहां से ऑब्टेन करते हैं, तो CO2 सराउंडिंग से और H2O कहां से करते हैं, सॉइल से, ठीक है। एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो एंड प्रोडक्ट मतलब लास्ट में फोटोसिंथेसिस करने के बाद मिलता क्या है, तो एक तो बनता है ग्लूकोज जो कि इसका मेन प्रोडक्ट है, और ऑक्सीजन निकलती जो उसका क्या है, साइड प्रोडक्ट है, कोई तकलीफ नहीं। अब देखो अपनी बुक में दे रखा है इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस का जो एक प्रोसेस है ये एक स्टेप में नहीं हो जाता, इसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, देखो क्लोरोफिल जो है मैंने इधर बताया, देखो उसके ऊपर जब सनलाइट गिरती है तो वो उसको एब्जॉर्ब करता है, और फिर ये एब्जॉर्ब करके करेगा क्या, तो सेकेंड स्टेप उसे बताती है कि वो जो लाइट एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की पहले उसे वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा,
ऐसी एनर्जी में कन्वर्ट करेगा जिसे केमिकल रिएक्शनों में इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअल में जब हायर क्लासेज में पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि प्लांट जो होते हैं सनलाइट को एटीपी और NADPH2 में कन्वर्ट करता है, वो केमिकल एनर्जी का क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, फिर और ये क्या करेगा, जो सनलाइट गिरेगी उस सनलाइट से वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ेगा, H2 अलग कर लेगा और ऑक्सीजन अलग कर लेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि H2 ही चाहिए फोटोसिंथेसिस में, ये ऑक्सीजन को वो रिलीज कर लेगा। तो वाटर का क्या होता है, फोटोलाइसिस होता है। फोटो मींस लाइट गिरती है और लाइसिस मतलब टूटती है। ठीक है, नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ CO2। CO2 का क्या होता है, रिडक्शन। कौन करेगा रिडक्शन? यहां से जो हाइड्रोजन आएगी वो CO2 के ऊपर जुड़ जाएगी और उसे किस में कन्वर्ट करेगी, ग्लूकोज में, ये रिडक्शन हो जाएगा और वो ही ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो ये तीन इवेंट है फोटोसिंथेसिस में। इसे वापस समझते हैं, सनलाइट आई, क्लोरोफिल पे गिरी, सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया और साथ में दूसरे में H2O को H2 और O2 में कन्वर्ट कर दिया गया। ये O2 रिलीज हो जाएगी और इस H2 को CO2 के ऊपर जोड़ के C6H12O6 बना दिया जाता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो CO2 से कार्बन और ऑक्सीजन ली जाती है और H2 जो इसमें आ रही है वो कौन देता है, वाटर देता है, और यही वजह ऑक्सीजन का कोई काम नहीं तो ऑक्सीजन बाहर रिलीज कर दी जाती है। ठीक है, एक और चीज, डेजर्ट जो प्लांट्स होते हैं, अपनी बुक में लिखा हुआ है कि क्या ये इवेंट्स का एक के बाद एक सीक्वेंस में होना जरूरी है या ऊपर नीचे अपने हिसाब से हो सकता है। तो देखो डेजर्ट में कुछ अलग तरीके से होता है, क्या पहले उसको समझते हैं, अच्छे से सुनना। देखो डेजर्ट जो होते हैं उनमें जो प्लांट होते हैं उनमें ट्रांसपीरेशन, देखो जब सनलाइट उनके पार्ट पे लीफ वगैरह पे कहीं गिरती है तो वाटर जो है वो लॉस होने लगता है और वो जो है इस लॉस को कम करने के लिए दिन के समय उनकी लीफ पर छोटे छोटे से पोर होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं। कैसे दिखते हैं अभी अपन समझेंगे। उनसे वो क्या करते हैं, गैस अंदर लेते हैं, गैस बाहर छोड़ते हैं। तो अगर वो दिन के समय अपना स्टोमेटा खोलेंगे किसको एब्जॉर्ब करने के लिए, CO2 को बाहर से लेने के लिए, CO2 बाहर से लेंगे। तो दिन में अगर वो अपना स्टोमेटा खोलते हैं CO2 लेने के लिए तो सनलाइट भी स्टोमेटा पे गिरेगी और बहुत सारा पानी लॉस हो जाएगा और वो ऐसा नहीं करना चाहते। तो वो क्या करते हैं, दिन के समय अपने स्टोमेटा को क्लोज ही रखते हैं। अब अगर दिन के समय स्टोमेटा क्लोज रखेंगे तो CO2 तो आएगी नहीं, तो फिर उनका काम कैसे चलेगा। तो वो क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, रात के समय अपने स्टोमेटा खोलते हैं, बाहर से CO2 लेते हैं, लेकिन अब CO2 लेने का कुछ फायदा नहीं क्योंकि सनलाइट तो आ ही नहीं रही। तो वो क्या करते हैं, उस CO2 को एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर देते हैं। प्लांट टेक CO2 एट नाइट एंड कन्वर्ट इट इंटू अ इंटरमीडिएट। ठीक है, फिर दिन के समय वो अपना स्टोमेटा बंद करते हैं लेकिन उनके अंदर CO2 किसी इंटरमीडिएट के फॉर्म में है। फिर वो क्या करेंगे, उस इंटरमीडिएट से वापस CO2 बनाएंगे। दिन के समय सनलाइट तो गिर ही रही है, उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, पानी का फोटोलाइसिस करेंगे और उससे जो हाइड्रोजन मिलेगी उस हाइड्रोजन को उस CO2 पे ऐड करेंगे और उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। तो मतलब वो CO2 एब्जॉर्प्शन तो करते हैं रात को और बाकी का काम जो होता है वो कहाँ करते हैं, दिन के समय करते हैं। एक और चीज, जब दिन के समय फोटोलाइसिस होता है तो वो ऑक्सीजन बनती है, उस ऑक्सीजन को भी वो रात को रिलीज करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा तो अभी खोल नहीं सकते। तो इनमें जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब CO2 का आना, O2 का निकलना जो हो रहा है वो रात को हो रहा है, बाकी का काम दिन को हो रहा है। तो प्लांट टेक CO2 एट नाइट एंड कन्वर्ट इट इंटू इंटरमीडिएट, इन डे टाइम एब्जॉर्ब सनलाइट एंड कन्वर्ट इंटू केमिकल एनर्जी एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन, एंड नाउ बाय यूजिंग दीस इन एनर्जी और हाइड्रोजन को यूज करके वो इंटरमीडिएट जो रात में बने थे उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये डेजर्ट प्लांट में थोड़ा अलग तरीके से कुछ चीज होती है, फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो ये अपने था फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब देखो, एक तो कुछ क्वेश्चन है इस फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। एक बुक में दो एक्टिविटी दे रखी है, एक एक्टिविटी ये दे रखी है ये बताने के लिए कि फोटोसिंथेसिस तभी हो सकता है जब क्लोरोफिल हो, और एक एक्टिविटी ये बताने के लिए दे रखी है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस तभी कर सकते हैं जब उन्हें CO2 मिले, अगर CO2 नहीं मिलेगी तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें अपन समझते हैं, पहले आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए। और एक हाँ, लीफ का डायग्राम दे रखा है उसे भी अपन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला जो है वो है कि व्हाट प्लांट डू विथ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट जो वो बनाते हैं,
फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो देखो, प्लांट जो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं वो उसको यूटिलाइज करते हैं किसमें, एनर्जी प्रोडक्शन में, लेकिन वो इतनी बनाते हैं कि सारा यूज नहीं कर पाते। तो जो पीछे जो रह जाएगा वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च में। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो प्लांट जो होते हैं वो ग्लूकोज को किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, स्टार्च के अंदर, और फिर उसे स्टोर करके रखते हैं कि भाई जब कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो वो इसको क्या कर सकेंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि जो ऑटम आता है, पतझड़ की जो सीजन आती है उसके अंदर प्लांट क्या करते हैं, लीफ तो सारी उनकी गिर जाती है, और जब लीफ गिर जाती है तो फिर वो अपने जो फूड जो स्टोर कर रखा था उसको वापस क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। और ये जिन जगह पर इस स्टार्च को स्टोर करते हैं, अगर अपन वो पार्ट कंज्यूम करें तो अपन को स्टार्च मिल जाएगा, अपनी बॉडी इस स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और अपन को फूड मिल जाता है। इस तरीके से चलता है। नेक्स्ट है, इन विच फॉर्म प्लांट एंड एनिमल्स स्टोर फूड, प्लांट और एनिमल्स फूड कैसे स्टोर करते हैं। तो प्लांट, अभी अपन को पता है कि प्लांट क्या करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में करते हैं, वो ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं। और एनिमल जो होते हैं वो फूड को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, वो ग्लूकोज को स्टार्च में नहीं, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं। ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। नेक्स्ट है, वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ दीज रो मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये अपनी बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है कि भाई प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए जो ये रो मटेरियल है वो कहाँ से ऑब्टेन करता है। तो आप सब जानते हैं CO2 कहाँ से लेगा, वो सराउंडिंग से, और H2O कहाँ से लेगा, वो सॉइल से। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है, बुक में एक डायग्राम दे रखा है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का, कुछ इस तरीके का दे रखा है। देखो, जब आप एक लीफ का स्ट्रक्चर देखते हो तो ये लीफ का जो ये पूरा मार्जिन जो दिखता है, इस पूरे को कहते हैं लीफ लेमिना या लीफ ब्लेड। अपन तो इसी को ही लीफ समझते हैं। ये लीफ लेमिना या लीफ ब्लेड होती है। लीफ में और भी स्ट्रक्चर होते हैं, बीच में जो एकदम ऐसे वो लाइन्स दिखती है उसे कहते हैं मिड रिब, और उन लाइन से जो और निकलता है उसे क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। और इसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम होते हैं, जाइलम, फ्लोयम। जाइलम क्या काम करते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और फ्लोयम क्या करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। देखो, फूड कहाँ बनता है, लीफ के अंदर, और फ्लोयम इसको बाकी की बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है। और वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होता है, रूट से एब्जॉर्ब होता है, और वो ऊपर से नीचे तक चढ़ता, नीचे से ऊपर तक चढ़ता है, और इसी जाइलम से होता हुआ लीफ तक पहुँचता है। ये अपन ट्रांसपोर्टेशन में डिटेल में देखेंगे। लेकिन जब अपन एक लीफ को और अंदर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन या क्रॉस सेक्शन काट के इसे डिटेल में देख पाते हैं, तो अपन देखते हैं कि इसके ऊपर, सबसे ऊपर तो एक लेयर होती है वैक्स की, क्यूटिकल लेयर होती है, वैक्सी क्यूटिकल होती है। हर प्लांट में ऐसा हो जरूरी नहीं है, पर ज़्यादातर में होता है। उसके बाद उसके अंदर एक सेल की एक लेयर होती है, मतलब एक एक सेल से बनी हुई एक लेयर होती है, जिसे कहते हैं एपिडर्मिस। क्योंकि लीफ में ऊपर और नीचे दोनों तरफ एपिडर्मिस होती है, तो ऊपर वाली को अपर एपिडर्मिस और नीचे वाली को लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। और इनके बीच में और सेल्स होती है, ये पूरा एरिया जो होता है इसे मीजोफिल कहते हैं। ठीक है, ये मीजोफिल भी देखो दो तरह की सेल रखता है हर क्लासेज में, इनको भी अलग से नाम लिखवाते हैं, आप लोड ना लें, आप सिर्फ इतना याद रखें सबसे पहली लेयर कौन सी होती है, वैक्स की क्यूटिकल, उसके बाद अपर एपिडर्मिस, उसके बाद मीजोफिल ये जो रीजन है, और फिर लोअर एपिडर्मिस। अब है, इनमें क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो क्लोरोफिल आप सब जानते हैं लीफ में होता है। अगर लीफ में भी जाएंगे तो अपन इस वाले स्ट्रक्चर में होगा, किस में होगा, मीजोफिल में होगा। देखो, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ग्रेन्यूल्स लाइक, ये ही क्या है, मीजोफिल के अंदर का क्लोरोफिल कंटेनिंग स्ट्रक्चर। आप सब जानते हैं सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो लीफ के अंदर मीजोफिल वाला एरिया, फिर मीजोफिल की सेल, और उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। तो इस डायग्राम से अपने कभी पूछ भी सकते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का डायग्राम बनाई, तो सबसे ऊपर वैक्स की एक लेयर है, फिर ये अपर एपिडर्मिस, फिर ये बीच में मीजोफिल, और फिर लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में देखो, ये अपने गार्ड सेल बनाई हुई है, और उसके बीच में पोर है, जिसे इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टोमेटा कहते हैं। अभी आगे अपन आज ही के वीडियो में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। और देखो, इस मतलब स्टोमेटा के जस्ट नीचे देखो, यहाँ कैविटी है जिसे एयर स्पेस कहते हैं, और यहाँ से गैस अंदर बाहर चली जाती है। ठीक है, और एक और चीज, गार्ड सेल जो होती है उसके
अंदर भी, गार्ड सेल के अंदर भी क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ये अपने लीफ का क्रॉस सेक्शन हो गया। तो एक तो आपको डायग्राम पूछा जा सकता है, एक आपको ये पूछा जा सकता है क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोफिल लीफ के, मीजोफिल के, मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में होता है। एक लीफ में कौन कौन सी लेयर होती है, तो 4 लेयर्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अपनी बुक में 2 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, मैं बहुत ही शॉर्ट में और अच्छे से समझाता हूँ उन एक्सपेरिमेंट को। पहला जो एक्सपेरिमेंट है उससे अपन ये प्रूफ करेंगे कि क्लोरोफिल जो होती है वो नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, और दूसरा एक्सपेरिमेंट से अपन ये प्रूफ करेंगे कि CO2 जो है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इन दोनों एक्सपेरिमेंट में एंड में एक ही चीज करेंगे, पहले उसको समझते हैं। अगर प्लांट में कहीं पर स्टार्च है, तो आप अभी देखा है आपने स्टार्च कहाँ से बनता है, ग्लूकोज बनाते हैं प्लांट और फिर उसे स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं। ग्लूकोज कहाँ से आएगा, फोटोसिंथेसिस से। तो अगर प्लांट ने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया तो उन्होंने ग्लूकोज बनाया होगा, और ग्लूकोज बनाया होगा तो उसे स्टार्च में कन्वर्ट किया होगा। अगर प्लांट के किसी पोर्शन में स्टार्च है और उस पर मैं आयोडीन का टेस्ट करता हूँ तो वो ब्लू कलर देता है। कैसा कलर देता है, ब्लू कलर। तो अगर किसी भी हिस्से पर आयोडीन टेस्ट देने पर ब्लू कलर आ रहा है, इसका मतलब उसमें स्टार्च है, स्टार्च है उसमें मतलब ग्लूकोज बना है, और ग्लूकोज बनने का मतलब वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ। ये चीज़ याद रखना। अब देखो, पहला एक्सपेरिमेंट करते हैं अपन वेरीगेटेड लीव्स पे। अब वेरीगेटेड लीव्स क्या होती है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स में बीच बीच में ग्रीन एरिया होते हैं, बीच बीच में येलो एरिया होते हैं। आपने मनी प्लांट या फिर इनका पौधा देखा होगा, ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जिसमें ऐसे ग्रीन और येलो दोनों तरह के पार्ट होते हैं, तो इनको कहते हैं वेरीगेटेड लीफ। इनमें जो ग्रीन पोर्शन होता है सिर्फ वही फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस करने के बाद फूड जो होता है वो नॉन ग्रीन पार्ट में ट्रांसफर करता है। लेकिन अपन को अभी ये प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, पहले इस प्लांट को क्या करेंगे, 3-4 दिन के लिए अंधेरे में रखेंगे। ऐसा क्यों करना चाह रहे, ताकि जो नॉन ग्रीन ग्रीन प्लांट में जो भी स्टार्च है वो यूज हो जाए, क्योंकि 3-4 दिन तक वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अंधेरे में तो होता नहीं है। फिर अब क्या करेंगे, जब अपन को लगेगा कि भाई हाँ 4-5 दिन का टाइम हो गया, तब इस प्लांट को लाकर 6 आवर के लिए सनलाइट देंगे। अब 6 आवर के लिए सनलाइट देंगे तो ग्रीन पार्ट में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होने लगेगा, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलेगा कि फूड यहाँ ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे किसको, ग्रीन पार्ट को, कि भाई यहाँ ग्रीन पार्ट था। और अब इसे अल्कोहल के अंदर बॉईल करेंगे, जैसे ही अल्कोहल के अंदर बॉईल करेंगे इस पूरी लीफ का जो कलर है वो निकल जाएगा, डीकलराइज्ड हो जाएगा। अब इसके ऊपर आयोडीन डालूंगा तो कहीं कहीं पर ब्लू कलर आता है। मैंने क्या बोला, जहाँ ब्लू कलर आएगा वहाँ स्टार्च है, और जहाँ स्टार्च है मतलब वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ। तो अपन देख पाते हैं कि ब्लू कलर सिर्फ वहीं पर आता है जहाँ पहले ग्रीन था, इसका मतलब ग्रीन में क्या था, क्लोरोफिल था, और सिर्फ वहीं पर ब्लू आ रहा है मतलब ग्रीन वाले इलाकों में ही फोटोसिंथेसिस हुआ है, ठीक है। जो नॉन ग्रीन पोर्शन थे वो ब्लू नहीं हुए, इसका मतलब वहाँ स्टार्च नहीं बना, क्योंकि स्टार्च क्यों नहीं बना, क्योंकि वहाँ क्लोरोफिल नहीं था। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि क्लोरोफिल जो होती है वो नेसेसरी होती है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब एक और एक्सपेरिमेंट लेते हैं, उससे अपन ये प्रूफ करेंगे कि फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए अपन को क्या लेना पड़ता है, CO2 लेनी ही लेनी है। तो अपन को क्या करना है, 2 पॉट लेने और उसके ऊपर एक बेल जार रख देंगे, और यहाँ पर नीचे की तरफ इसे पूरा वैक्स से सील कर देंगे, कहीं से भी एयर अंदर से बाहर नहीं आनी चाहिए, बाहर से अंदर नहीं जानी चाहिए। जब अपन ऐसा करेंगे तो उसके अंदर CO2 तो होगी, तो इस वाले में CO2 है, इसमें भी होगी, लेकिन अपन इसकी CO2 निकाल रहे हैं। और इसके लिए जब बेल जार रखेंगे तो एक अपन क्या लेंगे, पेट्री डिश कटोरी जैसा एक स्ट्रक्चर होता है उसे लेंगे, और उस पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH डाल देंगे। KOH क्या करता है, इसमें जितनी भी CO2 होती है उसको सारे को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, बेसिकली ये किसी कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा, अपन उसको रहने देते हैं। अपन सिर्फ ये सोचते हैं KOH की वजह से यहाँ पर कोई भी CO2 नहीं रहेगी, नो CO2 ड्यू टू KOH। तो यहाँ CO2 है या CO2 नहीं है। अब इन दोनों ही प्लांट को अपन क्या करेंगे, सनलाइट में रख देंगे। तो देखो, सनलाइट भी अपन दे रहे हैं, इनमें पानी भी अपन ने डाल रखा था, दोनों ग्रीन है, इसका मतलब क्लोरोफिल भी है, सिर्फ इसमें CO2 है, इसमें CO2 नहीं है।
तो थोड़े देर बाद में अपन इन दोनों से एक एक लीफ लेंगे और फिर वो का वही काम करेंगे। इस लीफ को पहले बॉईल करेंगे अल्कोहल में, फिर आयोडीन टेस्ट करेंगे। तो अपन देखेंगे कि इस प्लांट की लीफ तो ब्लू कलर देती है, इसका मतलब उसमें स्टार्च बना, इसका मतलब इस वाले में फोटोसिंथेसिस हुआ। लेकिन इस वाले जो लीफ होती है वो ब्लू कलर नहीं देती, क्योंकि उसमें स्टार्च नहीं बना, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। अब अपन ने कौन सी चीज में फर्क रखा था? CO2 में, इसका मतलब CO2 नेसेसरी होती है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इस तरीके से इन दो एक्सपेरिमेंट से अपन क्लोरोफिल और CO2 की नेसेसिटी को अपन समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं अपन स्टोमेटा। तो देखो, स्टोमेटा बेसिकली क्या है? टाइनी पोर कंटेनिंग स्ट्रक्चर जो लीफ की एपिडर्मिस, अभी अपन ने देखा था लीफ की सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है? एपिडर्मिस, उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं और क्या काम करते हैं? इन्हीं पोर से होकर गैस अंदर और बाहर जाती है और साथ में इनसे ट्रांसपीरेशन भी होता है। तो स्टोमेटा टाइनी पोर, मतलब छोटे छोटे से पोर कंटेनिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो एपिडर्मिस ऑफ लीफ पर होते हैं, जिससे गैस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन होते हैं। अगर आपको स्टोमेटा के फंक्शन पूछे तो ये दो फंक्शन हो जाएंगे। अब देखो, स्टोमेटा उन टाइनी पोर को नहीं कहते, पोर कंटेनिंग स्ट्रक्चर को कहते हैं, मतलब पोर के अलावा भी कुछ होगा। तो अगर आप स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके सेंटर में एक पोर होता है, इस पोर को कहते हैं स्टोमेटल पोर। उसके चारों तरफ सेल्स होती है, चारों तरफ क्या मतलब दो सेल उसको मतलब चारों तरफ से कवर करके रखती है, जिसे क्या कहते हैं? गार्ड सेल। और उसके चारों तरफ और सेल होती है जिसे कहते हैं सब्सिडरी सेल। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है स्टोमेटा कहलाता है। तो एक स्टोमेटा में क्या क्या होते हैं? स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल। गार्ड सेल जो होती है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और देखो क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, एक और चीज, गार्ड सेल की अंदर वाली लाइनिंग देखो मैंने डार्क बनाई है, डिजाइन नहीं है। इसकी वॉल जो होती है वो अंदर की तरफ से थिक होती है और बाहर की तरफ से थिन होती है। तो जब इन गार्ड सेल के अंदर पानी जाता है तो देखो नॉर्मल कोई ऐसी सेल है और अगर उसमें वाटर जाएगा तो पूरी फूलती है, लेकिन गार्ड सेल इस तरीके से फूलेगी कि उसका जो स्वेलिंग है वो बाहर की तरफ ज्यादा होगी, अंदर की तरफ कम, और कुछ ऐसा शेप बन जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ से तो ये थिक है तो ज्यादा फूल नहीं पाती, प्रेशर नहीं लग पाती, लेकिन बाहर की तरफ थिन है तो वाटर उस तरफ प्रेशर लगाता है जिसकी वजह से इसका ऐसा शेप आ जाता है। ठीक है, तो जब ये गार्ड सेल स्वेल हो रखी होती है, फूल रखी होती है, तब तो उसके बीच में स्टोमेटा दिखता है। और जब ये पिचक सी जाती है, उसके अंदर से वाटर का लॉस हो जाता है, तो वो ऐसे ऐसे हो जाती है कुछ इस तरीके से, और उसके अंदर का स्टोमेटल पोर दिखता नहीं है। तो अपन कहेंगे कि ये ओपन स्टोमेटा है, ये कैसा है? क्लोज स्टोमेटा। तो अगला टॉपिक वही है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ये जो है वो फंक्शन किसका होता है? गार्ड सेल का होता है। किसका होता है? गार्ड सेल का। अगर गार्ड सेल पानी एब्जॉर्ब करती है तो वो टर्जिट हो जाती है, मतलब फूल जाती है, और उसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाता है। और ये टर्जिट गार्ड सेल अगर वाटर लूज करती है तो फ्लैसिड हो जाती है, मतलब सिर्फ चिपक सी जाती है, थोड़ी पतली हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्लांट कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज करते हैं? देखो ये ऊपर ऊपर से तो अपन पहले भी समझ चुके हैं जब स्टार्ट किया था, अब अपन थोड़ा अच्छे से समझते हैं। एक तो उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, H2O सॉइल से लेते हैं, CO2 सराउंडिंग से लेते हैं, और इन रॉ मटेरियल से वो कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, बेसिकली ग्लूकोज बनाएंगे, जिससे वो क्या जनरेट करेंगे? एनर्जी जनरेट करेंगे। तो ये तो हुआ एनर्जी का। फिर उनको अपनी खुद की बॉडी को फॉर्म करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए भी कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, वो बेसिकली मिनरल्स होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारे मिनरल्स को वो एब्जॉर्ब करते हैं। और कहां से एब्जॉर्ब करते हैं? सॉइल से, वाटर के साथ साथ एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब इनमें से अपन की बुक में नाइट्रोजन के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि नाइट्रोजन क्यों एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन बनाता है। देखो तीन तरह की चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और फैट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनती है, लेकिन जो प्रोटीन जो होती है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसमें नाइट्रोजन भी चाहिए होता है। तो CHO तो वो CO2 और H2O से ले लेगा, लेकिन नाइट्रोजन कहां से लाएगा? यही वजह है मिनरल्स के फॉर्म में उसे नाइट्रोजन बहुत चाहिए होती है। तो नाइट्रोजन एसेंशियल फॉर प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड फॉर्मेशन। अब नाइट्रोजन को लेता कैसे है? तो प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को डायरेक्ट नाइट्रोजन के फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, यूज नहीं कर पाते, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ही इनर्ट टाइप की होती है, ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। ठीक है,
तो नाइट्रोजन को प्लांट लेते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड के फॉर्म में, तो या तो वो नाइट्रेट्स या नाइट्राइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं या कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं जो बैक्टीरिया बनाते हैं। तो देखो बैक्टीरिया के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन जो N2 है उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकती है और फिर प्लांट उस कंपाउंड को यूज कर अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं और फिर प्रोटीन वगैरह जो भी उनका काम होता है वो बनाते हैं। हायर क्लासेज में आपको इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ाया जाता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन डायरेक्ट तो यूज नहीं कर पाती तो उसे नाइट्रोजन के कंपाउंड चाहिए और नेचर में जिस भी मोड से नाइट्रोजन नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट होती है उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अपनी बुक में है नहीं तो लोड नहीं लेना अपने, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो रॉ मटेरियल होते हैं एक प्लांट के लिए और इसी के साथ अपना जो प्लांट का ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग है वो है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें अपन को एक तो अमीबा से समझना है और एक ह्यूमन में न्यूट्रिशन से समझना है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिए, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।